देश के जाने माने वकील, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को देखकर हैरानी व्यक्त की है। दरअसल ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और उनके साथ सीजीआई एक साथ नजर आ रहे हैं। तो मैं अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो को लेकर सियासी घमासान तेज क्यों हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए। इसका वीडियो सामने आने के बाद से ही सियासी घमासान तेज हो गया, जिसके बाद राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं 50 साल से ज्यादा समय से सुप्रीम कोर्ट और इस संस्था में कार्य कर रहा हूं। मैं सीजीआई का बहुत सम्मान करता हूं। वे व्यक्तिगत रूप से बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखा तब मैं हैरान रह गया। तो वहीं पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर सैद्धांतिक रूप से कुछ दिक्कतें हैं। किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को निजी कार्यक्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि शायद सीजीआई को ये पता नहीं होगा कि इसका प्रचार किया जा रहा। प्रधानमंत्री को कभी भी इस तरह के निजी कार्यक्रम में जाने की रुचि नहीं दिखानी चाहिए थी। कपिल सिब्बल ने आगे ये भी कहा कि ये मुद्दा व्यक्ति का नहीं, मुद्दा ये है कि इस तरह की क्लिप का लोगों के दिमाग पर आखिर क्या कुछ असर होगा। अगर इस बारे में बात होती है तो संस्था के लिए ये काफी उचित नहीं होने वाला। बहरहाल अब ये देखना होगा कि इस वायरल वीडियो को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और इस वीडियो को लोग आखिर किस नजर से देखते दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।